Morning students, today I am teaching class 1 science lesson 12. Topic is personal safety. We must keep ourselves safe in every work we do. हम जब भी कुछ काम करते हैं हमेशा अपना सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए. सेफ अपना सेफ रखना है. We must keep accident away. हमेशा एक्सीडेंट से बचना चाहिए. वी मस्ट डेवलप सेफ्टी हैबिट्स. इसीलिए कुछ सेफ्टी हैबिट्स को हम ध्यान देना है. डू नॉट वॉक और रन केयरलेसली. असावधानी से चलना या दौड़ना नहीं है. यू मे स्टम्बल एंड फॉल डाउन. टक्कर लग सकता है, उसके बाद गिर भी सकता है. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. रोड के ऊपर नहीं खेलना है. यू मे हैव एन एक्सीडेंट. आपको एक्सीडेंट हो सकता है. नेवर क्रॉस द रोड अलोन. अकेले रोड को क्रॉस नहीं करना है. आस्क समवन टू हेल्प यू. किसी को हेल्प करने के लिए पूछना है. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग और एट ए सेफ प्लेस. जब भी आप रोड क्रॉस करते हो जेब्रा क्रॉसिंग या सेफ प्लेस को देख के क्रॉस करना चाहिए. नेवर टीज ए डॉग. डॉग को टीज नहीं करना है. इट मे बाइट यू. ये कभी भी कट सकता है. नेवर प्ले नियर फायर और विथ मैच स्टिक. फायर का सामने या आग का सामने नहीं खेलना है या मैच स्टिक के साथ नहीं खेलना है. योर क्लॉथ्स में कैच फायर. आपका कपड़ा में आग लग सकते हैं. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड प्लग्स. इलेक्ट्रिक स्विच या प्लग में टच नहीं करना है. यू मे गेट ए शॉक. आपको शॉक लग सकता है. नेवर प्ले विथ शार्प थिंग्स. कोई भी शार्प थिंग्स के साथ नहीं खेलना है. लाइक नाइव्स, सीजर एंड ब्लेड्स आर सम शार्प थिंग्स. हैंडल देम केयरफुली. कभी भी इसको यूज करने से बहुत केयरफुली रहना है. नेवर रन डाउन द स्टेयर्स. जब सीढ़ी से उतरते हो तो हमेशा दौड़ के उतरना नहीं है. यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ. आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकते हैं. नेवर कवर योर फेस व्हाइल स्लीपिंग. सोने का टाइम में आपका फेस कवर नहीं करना है. जब भी आप सोते हो सोने का टाइम में आपका फेस को कवर नहीं करना है. इट इज बैड फॉर हेल्थ. ये हेल्थ के लिए बहुत खराब है. नेवर क्लाइम ऑन ए डेस्क और ए चेयर. चेयर या डेस्क के ऊपर नहीं चढ़ना है. यू मे फॉल एंड गेट हर्ट. आपको आप गिर सकते हो, आपका चोट भी लग सकता है. नेवर गेट इन और गेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस. मूविंग बस मीन्स जो चलते है, जब बस चलते है चलने का टाइम में आपको ना बस के अंदर जाना है या बस से उतरना है. You may fall down. आप गिर सकते हो. Never put your head or arm out of the window of the moving bus. बस चलने का टाइम में आपका हेड या आर्म को खिड़की के बाहर नहीं रखना है. You may get hurt. आपको चोट लग सकता है. Lesson 12 is over.
Now I'll teach lesson 13. Lesson 13 topic is housing and clothing. Housing. We need a house to live in. सबसे house सबका जरूरी है. It is our basic need. ये सबसे प्राथमिक need है. Our house is our shelter. हम लोग का house हम लोग का shelter है. जहां में हम रहते हैं उसका हम shelter बोलते हैं. A house protect us from bad weather. House हम लोग को बैड वेदर से प्रोटेक्ट करते बचा के रखते. इट शेल्टर्स अस फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वेदर. गर्मी या ठंडा वेदर से हमको सेव करते. इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम रेन एंड स्टॉर्म. बारिश या स्टॉर्म से. स्टॉर्म मीन्स तूफान से हमको सेफ रखते हैं. इट सेव्स अस फ्रॉम थीव्स एंड एनिमल्स. चोर या जंतु जानवर से हमको सेफ रखते हैं. इट गिव्स अस कंफर्ट एंड पीस. हाउस हमको कंफर्ट भी देते हैं, आराम देते हैं और शांति भी देते हैं. ए हाउस मस्ट बी एयरी एंड वेल लाइटेड. हाउस कैसा होना चाहिए? एयरी होना चाहिए. हमेशा एयर पास होता है, ऐसा घर होना जरूरी है. एंड वेल लाइटेड होना है, हमेशा मीन्स लाइट होना है. वी मस्ट कीप इट क्लीन एंड टाइडी. इसीलिए घर को हमेशा क्लीन या टाइडी रखना है, साफ सुथरा रखना चाहिए. एन आइडियल हाउस कंटेन्स ए बेडरूम, ए किचन, ए डाइनिंग रूम, ए ड्राइंग रूम एंड ए बाथरूम. आइडियल हाउस, एक अच्छा घर में क्या होता है? एक बेडरूम, एक किचन, खाना बनाने के लिए किचन होता है, एक डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम होता है और एक बाथरूम. क्लॉथिंग, क्लॉथ्स आर ऑल्सो बेसिक नीड. जैसा फूड इट इज आवर बेसिक नीड. खाना हम लोग को चाहिए, बिना खाने का हम रह नहीं सकते, जिंदा नहीं रह पाते. उसके बाद रहने के लिए घर चाहिए. थर्ड बेसिक नीड है क्लॉथ, कपड़ा चाहिए. We wear clothes to cover our body. कपड़ा क्या करते हैं? हम लोग का बॉडी को कवर अप करते हैं, ढकते हैं. They protect us from heat, cold, wind and rain. ये हम लोग को हीट, गर्मी, ठंड या विंड्स और रेन, बारिश से हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं. जैसा घर हमको हाउस भी सेफ रखते हैं, ऐसा बॉडी को सेफ रखने के लिए क्लॉथ चाहिए. वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन. हम लोग डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं. वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. जब गर्मी आता है, समर सीजन होता है, तब कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. कॉटन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी कूल. कॉटन क्लॉथ्स किस लिए पहनते हैं? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स बॉडी को ठंड रखते हैं. कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन कहाँ से मिलते हैं? कॉटन प्लांट से कॉटन मिलते हैं. वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर. हम विंटर में, ठंडा सीजन में, ठंड में क्या पहनते हैं? ठंड से बचने के लिए वूलन कपड़ा पहनते हैं. वूलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म. वूलन क्लॉथ्स किस लिए पहनते हैं? क्योंकि वूलन क्लॉथ्स पहनने से बॉडी वार्म होता है,
बॉडी को वर्म मिलते हैं, गर्मी मिलते हैं। वूल कम्स फ्रॉम शीप। वूल वूल कहाँ से मिलते हैं? वूल शीप से मिलते हैं। वी यूज अम्ब्रेलास व्हेन वी गो आउट इन रेन्स। जब रेन होता है, बाहर जाते हैं तो हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं। एंड अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। इसलिए रेन में हम लोग भीग जाते हैं, भीगने के बचने के लिए, रेन से बचने के लिए हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं। बाय दिस लेसन 13 इज ओवर। थैंक यू।